सो पार्ट वन इज ऑलरेडी अपलोडेड, पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड की हुई बुक है। दिस बुक इज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा, देन मैं इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करूंगा। फर्स्ट आई विल रीड इन इंग्लिश एंड देन आई विल ट्रांसलेट इट इन हिंदी। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर वन, स्पिरिचुअल बुक्स एंड देयर बेनिफिट्स, एंड बुक नेम इज स्टूडेंट्स स्पिरिचुअल लिटरेचर एंड शिवानंद। बुक का नाम है स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स स्पिरिचुअल लिटरेचर एंड शिवानंदा, और पहले चैप्टर का नाम है स्पिरिचुअल बुक्स एंड देयर बेनिफिट्स, आध्यात्मिक किताबें और उनके जो लाभ हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं। क्वेश्चन पूछता है, शिष्य क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मेंट बाय स्पिरिचुअल लिटरेचर स्वामी जी, व्हाट बेनिफिट्स कैन स्टूडेंट डेराइव बाय स्टडिंग सच लिटरेचर। तो क्वेश्चन का मतलब है कि स्पिरिचुअल लिटरेचर का मतलब क्या है स्वामी जी, और क्या बेनिफिट्स स्टूडेंट निकाल सकते हैं, ले सकते हैं इस लिटरेचर को पढ़ के। तो आंसर दिया जाता है, बाय स्पिरिचुअल लिटरेचर इट इज मेंट नॉट ओनली स्टैंडर्ड बुक्स लाइक रामायण द महाभारत एंड द भगवद गीता, बट ऑल्सो दोज राइटिंग्स ऑफ सेंट्स एंड सेजेस, ऑफ दोज वर्क्स बाय मैन ऑफ गॉडली विजडम विच अपलिफ्ट द रीडर, हेल्प हिम टू लीड अ बेटर लाइफ एंड टेक हिम टू द नियरर टू द गॉड। बाय स्पिरिचुअल लिटरेचर इट इज मेंट नॉट ओनली टू स्टैंडर्ड बुक्स। स्पिरिचुअल लिटरेचर का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि रामायण महाभारत और भगवद गीता पढ़े, बट ऑल्सो दोज राइटिंग्स ऑफ सेंट्स एंड सेजेस, बट वो भी किताबें लिखी गई जो कि सेंट्स और सेजेस के द्वारा, जैसे शंकराचार्य जी और भी बहुत महापुरुष हुए हैं, जैसे बहुत भी बहुत महापुरुष हुए हैं जैसे कि परमहंस योगानंद जी और उनके गुरु युक्तेश्वर जी और भी बहुत सारे लोग। ऑल दोज वर्क्स बाय मैन ऑफ गॉडली विजडम विच अपलिफ्ट द रीडर। सो ये सभी काम मतलब वर्क्स यहाँ पे बोला गया है किताब लिखने को, है ना। ऑल दोज वर्क्स, वो सभी काम जो कि गॉडली विजडम, जिनको ईश्वरीय विजडम प्राप्त है, जो रीडर को ऊपर की तरफ उठाते हैं और हेल्प करते हैं उसको एक बेटर लाइफ जीने में, और उस व्यक्ति को ईश्वर के नज़दीक ले जाने में मदद करते हैं। बाय रीडिंग सच लिटरेचर स्टूडेंट विल डेराइव वंडरफुल बेनिफिट्स। इस तरह के लिटरेचर को पढ़ने से स्टूडेंट जो है वो वंडरफुल, बहुत ही शानदार बेनिफिट्स डेराइव करेगा, अपने पास उसके बहुत शानदार बेनिफिट्स उसे मिलेंगे। द एलिवेटिंग आइडियाज कंटेंड इन सच लिटरेचर विल इंस्पायर देम। जो ऊपर उठाने वाले आइडियाज हैं इस लिटरेचर में, वो उसको मोटिवेट करेंगे, वो उसे प्रेरणा देंगे एंड मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन देयर एडोलसेंट माइंड्स, और वो उनके वयस्क जो अवयस्क होते हुए मनों पर एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन डालेंगे, सो दैट देयर होल मोड ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग विल बी शेप्ड ऑन अ नोबल डिवाइन पैटर्न। ताकि उनका पूरा जीने का तरीका और सोचने का तरीका शेप हो जाएगा, ढल जाएगा महान और डिवाइन पैटर्न्स में। दे विल डेवलप द एबिलिटी टू थिंक राइटली एंड एक्ट राइटली। वो एक ऐसी एबिलिटी डेवलप कर लेंगे जिसमें वो सही तरीके से सोच सकें और सही तरीके से एक्ट कर सकें, वर्क कर सकें जो भी उनको काम करना है। सेकेंडली स्टडी कीप्स योर माइंड ऑक्यूपाइड। और दूसरी तरफ माइंड आपका बिजी रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है। यू शुड नेवर बी आइडल, हमें कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। हम सभी को पता है जब जो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस, वी ऑल नो दैट। यू शुड नेवर बी आइडल। हैवंट यू हर्ड द सेइंग द आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। इफ़ यू सिट आइडल और इफ़ यू रीड द रॉन्ग टाइप्स ऑफ लिटरेचर लाइक नॉवेल्स एंड कॉमिक्स, योर माइंड विल बी असेल्ड बाई दी होल होस्ट ऑफ डिबेसिंग थाट्स, एंड दीज विल बी गो ऑन डेवलपिंग। बैड थाट्स विल लीड यू टू इन कोर्स ऑफ टाइम टू बैड वेज ऑफ लिविंग एंड यू विल बिकम मिजरेबल। इफ़ यू सिट आइडल और इफ़ यू रीड द रॉन्ग टाइप्स ऑफ लिटरेचर, अगर आप खाली बैठेंगे और या फिर आप गलत टाइप ऑफ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि नॉवेल्स हो गई, कॉमिक्स हो गई, अगर आप इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगी और आपका जो माइंड है वो गंदगी से भर जाएगा एंड ऑल काइंड्स ऑफ बैड थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे और वो फिर और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। ये बैड थॉट्स कुछ समय बाद बैड एक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो थॉट होता है वो वर्ड और एक्शन में कन्वर्ट होता है, जो थॉट होता है वो वर्ड और एक्शन में कन्वर्ट होता है, और फिर वही हैबिट्स में कन्वर्ट होता है। तो सारी की सारी जो रचना है वो थॉट से क्रिएट होती है, थॉट्स के पहले क्या होता है इनपुट। तो ये एक
ग्राफ है ये, एक बेसिकली एक चार्ट है जिसमें पहले इनपुट आता है कि हमारे अंदर इनपुट कैसा है, इनपुट क्या जा रहा है। जैसा इनपुट जाएगा, थॉट, वर्ड, मतलब अब इनपुट कई तरीके से जा सकता है, वर्ड से, लोगों को हम सुन रहे हैं, एक्शन से जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो वीडियोज हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हम अपनी इंद्रियों से अंदर अपने अंदर ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, हर एक चीज़ जो इंद्रियों से हम ग्रास्प कर रहे हैं अपने अंदर, वो एक इनपुट है। जो इनपुट होगा वैसे ही हमारे थॉट्स होंगे, है ना? तो थॉट्स भी वैसे हो जाएंगे। अगर बैड लिटरेचर पढ़ोगे तो बैड थॉट्स हो जाएंगे फिर, है ना? और फिर उसी के हिसाब से हमारा लिविंग, फिर हमारे उसी हिसाब से वर्ड और एक्शन होंगे, और जब उसी के हिसाब से वर्ड और एक्शन होंगे तो उसी के हिसाब से हमारी हैबिट्स बन जाएंगी, और जैसी हमारी हैबिट्स होगी वैसी हमारी डेस्टिनी होगी। तो पूरा का पूरा एक ग्राफ है ये। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी वेरी अमेजिंग। लाइक वॉट एवर वॉट्स एवर योर इनपुट इज, नाउ इनपुट कैन बी कम फ्रॉम ऑडियो, वीडियो, एयर्स, नोज, स्मेलिंग, टचिंग, एनी काइंड ऑफ इंद्रिय यू आर यूजिंग दैट कैन वर्क एज अ इनपुट, ज्ञानेंद्रिय, है ना? सो ऑल दोज सोर्सेज ऑफ इनपुट विल टेक द इनपुट एंड सिमिलर वर्ड्स एंड थॉट्स, सिमिलर काइंड ऑफ थॉट्स विल यू यू हैव, देन सेम वर्ड एंड सेम थॉट्स विल कन्वर्ट इन टू वर्ड एंड एक्शन, एंड वेन यू रिपीटेडली डू दोज वर्ड्स एंड एक्शन, इट विल बिकम योर हैबिट, वेन इट विल बिकम योर हैबिट, इट विल बिकम योर डेस्टिनी। नाउ यू कैन चेंज योर हैबिट, यू कैन चेंज योर, बाय चेंजिंग योर इनपुट, इफ यू चेंज योर इनपुट यू विल एबल टू चेंज योर हैबिट्स, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू चेंज योर डेस्टिनी। बैड थॉट्स विल लीड यू टू इन कोर्स ऑफ टाइम इन बैड वेज ऑफ लिविंग एंड यू विल बिकम मिजरेबल, और धीरे धीरे वो जो बैड थॉट्स हैं वो आपको बैड वे, बैड हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, बैड वर्ड और एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिससे आपकी ज़िंदगी मिजरेबल यानी दुखदायी, दुखपूर्ण हो जाएगी। दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज रीड इलेवेटिंग नोबल लिटरेचर। इसीलिए हमेशा सही लिटरेचर पढ़ो, नोबल लिटरेचर पढ़ो। अब मैं ना इसको ना इसका जो है वो मैं ठीक कर देता हूँ यार, ये कलर जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। ओके, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसका एक सॉल्यूशन है कि ग्रीन कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्डली, नो दिस इज सेकेंडली, है ना? दिस इज सेकेंडली, नाउ दिस इज थर्डली। थर्डली, कॉन्स्टेंट स्टडी डेवलप योर मेंटल कैपेसिटी एंड पावर ऑफ ग्रास्पिंग फाइनर आइडियाज। जो तीसरा सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि डेवलप होती है हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज, हमारी कैपेबिलिटीज मेंटल डेवलप होती है, हमारी कैपेसिटी जो है माइंड की वो डेवलप होती है, और पावर ऑफ ग्रास्पिंग यानी चीज़ों को पकड़ने की, चीज़ों को समझने की हमारी जो काबिलियत है वो भी बढ़ती है। यू विल डेवलप अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यू विल आप जो है एक बेहतर कॉन्सेंट्रेशन जो कि काफ़ी हाई डिग्री का होगा वो डेवलप करोगे। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है ना एकाग्रता, विच विल हेल्प यू इन वॉट एवर प्रोफेशन यू यू मे चूज इन योर लेटर लाइफ, जो कि आपको किसी भी प्रोफेशन में मदद करेगी, जो भी आप आगे जाके जो भी काम धंधा करोगे उसमें आपको मदद करेगी। फोर्थली, फोर्थ बेनिफिट क्या है, यू मस्ट रिमेंबर दैट बुक्स आर माइन ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। जो बुक होती है वो एक सुरंग नहीं, एक खदान होती है नॉलेज का, और नॉलेज एक पावर होती है। फॉर इंस्टेंस, बाय रीडिंग बुक्स लाइक फर्स्ट एड एंड होम रेमेडीज यू कैन इक्विप योर सेल्फ विथ यूजफुल नॉलेज एंड सर्व पुअर पीपल इन डिस्ट्रेस। तो ये वाली किताब हम अपनी लिस्ट में डाल लेते हैं। सो बाय रीडिंग बुक्स लाइक फर्स्ट एड एंड होम रेमेडीज बाय स्वामी शिवनंद जी, ये एक बुक का नाम है। अगर हम ये बुक पढ़ेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे मुकुंदन जी, कि यदि बुक पढ़ने के बाद हम अपने आप को काबिल समझेंगे कि हम डिस्ट्रेस और पुअर लोगों की मदद कर सकते हैं जब भी वो किसी प्रॉब्लम में हो, तो हम याली किताब पढ़ सकते हैं। ओके, वो बुक मैंने ऐड कर दी अपनी लिस्ट में, तो ये बुक मैं पढ़ूंगा। आई हैव एडिट दिस बुक इन माई वर्क लिस्ट, सो आई विल रीड दिस बुक लेटर ऑन। नेक्स्ट, स्वामी जी सेड दैट फर्दर बुक्स कंटेनिंग नोबल थॉट्स, आइडियाज एंड लिविंग लेसन फ्रॉम द इंस्पायरिंग लाइफ आर इन द नेचर ऑफ इनवैल्यूएबल फूड ऑफ वुड फॉर थॉट।
चौथे जो बेनिफिट है वो बुक जो है वो कंटेन करती हैं महान विचारों को, आइडियाज़ को और एक जीते हुए लेसन्स को, जो कि हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि इंस्पायर लिव्स अपनी नेचर में कैसे हमें रहना है, एंड लिविंग लेसन्स फ्रॉम द इंस्पायरिंग लाइफ्स। सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया, बुक्स में कंटेन होते हैं, बुक्स में होते हैं बहुत सारे नोबल आइडियाज़, महान थॉट्स, ऐसे लोगों के लेसन्स होते हैं जिन्होंने अपने जीवन जी है उनके ऊपर लेसन्स होते हैं, लिविंग लेसन्स फ्रॉम द इंस्पायरिंग लाइफ, जो कि जिन्होंने अपनी बहुत प्रेरणा से अपनी ज़िंदगी जी, मतलब जो कि बहुत प्रेरणा स्रोत है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, है ना, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, ये लिविंग लेसन्स हैं फ्रॉम इंस्पायरिंग लाइफ्स, है ना, ये लिविंग लिविंग लेसन्स हैं जो कि इंस्पायरिंग लाइफ्स हैं, ये सब इंस्पायरिंग लाइफ्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है। इनसे पढ़ के ही इनके बारे में पता पड़ेगा, आर इन द नेचर ऑफ इनवैल्यू, और ये एक एक इनवैल्यूएबल, एक ना खरीदे जाने वाला बहुत ही कीमती फूड फॉर थॉट है। दे प्रोवाइड एथिकल एंड स्पिरिचुअल नरिशमेंट टू ऑल द पर्सन्स ओल्ड एंड यंग अलाइक। ये जो किताबें हैं, स्पिरिचुअल लिटरेचर जो है, वो सभी को एक आध्यात्मिक नरिशमेंट देती है। नरिशमेंट मतलब जैसे हम खाना वाना खाते तो हमें अच्छे खासे नरिशमेंट मिलता है ना, जब हम खाना वाना खाते हैं तो हमें हमें मतलब विटामिन्स मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है, तो नरिशमेंट मिलता है बेसिकली बॉडी को। उसी तरह से ये स्पिरिचुअल लिटरेचर भी हमें नरिशमेंट देगा, चाहे वो कोई भी, चाहे वो ओल्ड हो चाहे यंग हो, सभी को सेम तरीके से नरिशमेंट मिलेगा। पर सच्चाई तो एक ये है कि खाना जब यंग बच्चा खाएगा तब भी उसको ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा, और किताब ज़्यादा पढ़ेगा आध्यात्मिक तो भी उसको ही ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा। जितना ज़्यादा व्यक्ति यंग होगा अपनी एज में उतना ही ज़्यादा उसको नरिशमेंट मिलेगा, और जितना ज़्यादा व्यक्ति ओल्ड होगा और जितना लेट वो उसे पढ़ना शुरू करेगा उतना ही कम उसे नरिशमेंट मिलेगा। रियलिटी तो ये है, सबको सेम नरिशमेंट नहीं मिलता है। थॉट्स आर आइडियाज मोल्ड अ पर्सन्स कैरेक्टर, जो विचार होते हैं और जो आइडियाज होते हैं वो किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को शेप देने का काम करते हैं, आकार देने का काम करते हैं। यू ऑल नो द ग्रेट लॉस दैट अ मैन, एज अ मैन थिंक्स हो डज ही बिकम। हम सभी ग्रेट लॉ को जानते हैं, ग्रेट कानून को जानते हैं, कि जैसा मैन सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। दस बाय रेगुलरली रीडिंग प्योर एंड ग्रेट ग्रेट बुक्स रिटन बाय नोबल एंड गॉडली पर्सन, द माइंड इज फिल्ड विथ प्योर एंड सब्लाइम आइडियाज। इसी तरह से जब व्यक्ति प्योर रीडिंग रेगुलरली प्योर एंड ग्रेट बुक्स, जब व्यक्ति लगातार अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता रहता है, अच्छे अच्छे चीज़ें पढ़ता रहता है जो कि लिखी गई है महान व्यक्तियों के द्वारा, जैसे जीसस क्राइस्ट हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध ने खुद से कोई किताब नहीं लिखी, पर उनकी बोले गए एक एक शब्द हमारे पास हैं, जो कि आनंद ने, क्योंकि आनंद के पास एक ऐसी मेमोरी थी कि वो एक एक शब्द को याद कर लिया करता था। ऐसे आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, तब भी ऐसे लोग थे, वो ऐसे लोग हमेशा ही पृथ्वी पे होते हैं, जिनके पास ऐसी चमत्कारिक मेमोरी पावर या स्मरण शक्ति होती है ना। सो धम्मपद एक काफ़ी अच्छी किताब है, जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको जिसको हमने लिखा हुआ है एक लिस्ट में कि हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे धम्मपद को। सो गॉडली पर्सन, उनके द्वारा लिखी गई किताब है, द माइंड इज फिल्ड विथ प्योर एंड सब्लाइम आइडियाज, जो माइंड है वो प्योर, जो कि साफ आइडिया से और बेहतर आइडिया से फिल्ड हो जाएगा। दे हेल्प टू ट्रांसफॉर्म यू टू नोबल पर्सन विथ लॉफ्टी कैरेक्टर एंड गुड गॉडली नेचर। और ये सारी चीज़ें तुम्हें मदद करेंगी, एक ऐसे व्यक्ति में ट्रांसफॉर्म कर देंगी, और जिसका जो कि एक बहुत ही महान व्यक्ति होगा, और जिसका कैरेक्टर जो है बहुत ही ईश्वरीय उसका कैरेक्टर होगा। द स्टडी ऑफ सच बुक्स बिकम द बेसिक बेसिस ऑफ अ नोबल एंड ग्लोरियस लाइफ। और इस तरह की किताबें पढ़ने से बेस बन जाएगा आपका नोबल एंड ग्लोरियस लाइफ का, जो कि महान और यशपूर्ण लाइफ है। नेक्स्ट चैप्टर है होली ऑथर्स, जो पवित्र महान लेखक है। क्वेश्चन पूछता है शिष्य, हु इज ऑथराइज टू राइट स्पिरिचुअल लिटरेचर, कौन ऑथराइज्ड है, कौन वैद्य है, कौन अवैध है, कौन वैद्य तरीके है जो जो स्पिरिचुअल लिटरेचर लिखने का जिसे हक है, कौन है वो जिसको लिखने का हक है।
आंसर, नॉट ऑल आर ऑथोराइज टू राइट स्पिरिचुअल लिटरेचर, सभी लोग जो होते हैं वो हकदार नहीं होते स्पिरिचुअल लिटरेचर लिखने का. फॉर इफ दे वुड से समथिंग रॉन्ग, देर इज अ डेंजर दैट द रीडर माइट बी मिसलीड इन टू द इन द फॉलोइंग द रॉन्ग एडवाइस. और जिसमें एक बहुत बड़ा डेंजर है ना, फॉर इफ दे वुड से समथिंग रॉन्ग, अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो कि जो दैट इज द डेंजर दैट इज द डेंजर दैट द रीडर माइट बी मिसलीड, जो रीडर है वो मिसलीड हो जाएगा, वो भ्रमित हो जाएगा एंड गलत एडवाइस को मान लेगा. जैसे जो सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल बुक्स होती है ना, लगे रहो भांजे तुम कर सकते हो. अब दुर्योधन जो है वो, दुर्योधन को भी शकुनी महाभारत में यही बोलता था, लगे रहो भांजे लगे रहो भांजे, तुम सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग यू कैन डू एवरीथिंग इन महाभारत. सेम थिंग शकुनी यूज़ टू से दुर्योधन. सो दिस मोटिवेशन एंड अदर थिंग्स आर बैड, दे डोंट वर्क प्रॉपरली. वी द अंडरस्टैंडिंग शुड कम्स फ्रॉम द विजडम एंड द एक्शन शुड बी कम फ्रॉम द विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, देन ओनली दैट इज बेनिफिशियल. आगे स्वामी जी कहते हैं, यू मस्ट रिमेंबर दैट दैट विद द मासेज ऑफ मासेज द प्रिंटेड वर्ड्स गोज टू द बाइ फॉर द बाइबल ट्रूथ. हमें ये समझना चाहिए कि जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं वो लोगों में बाइबल ट्रूथ की बिब्लिकल ट्रूथ की तरह जाते हैं. वट गोज फॉर बिब्लिकल ट्रूथ, इट इज़ ओनली द गॉड रियलाइज सेज हु हैज ऑल द वे ऑफ डिवाइन अथॉरिटी बिहाइंड हिम. ये सिर्फ उन्हीं लिखने की हकदार सिर्फ वही हैं जो कि ईश्वर प्राप्त संत हैं. गॉड रियलाइज सेज, गॉड रियलाइज संत ही हैं जिनको अथॉरिटी है लिखने के लिए. हु इज़ कॉम्पिटेंट टू राइट स्पिरिचुअल लिटरेचर, जो कि वही सिर्फ स्पिरिचुअल लिटरेचर लिख सकते हैं. इट इज ऑल्सो परमिजेबल फॉर एडवांस साधकर्स दोज हु प्रैक्टिस दे से टू राइट अबाउट स्पिरिचुअल मैटर्स. इट इज ऑल्सो परमिजेबल, ये भी परमिजेबल है कि जो एडवांस साधक है, जो कि एडवांस साधक है, नॉर्मल साधक नहीं, एडवांस साधक हैं, जो कि प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत सारे रूल्स का, वो अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी बातें लिख सकते हैं स्पिरिचुअल मैटर्स में. जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने लिखा हुआ है, जो कि मुक्त तो नहीं हुए बट मुक्त होने की जस्ट पास में है, और उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं. जैसे अनाथ पिंडक ने अपने एक्सपीरियंस बताए थे बुद्ध के साथ, है ना. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके लिए. जैसे कि एक और एग्जाम्पल है जो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ. स्वामी कृष्णानंद जी, जैसे आई नाउ एम एबल टू रिकॉल इट, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज. स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आल्सो रोट सो मेनी ऑफ थिंग्स, हिज एक्सपीरियंसेस विद स्वामी शिवानंद जी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही आल्सो रोट सो मेनी अदर थिंग्स, जो कि वो एक एडवांस साधक थे. अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्पिरिचुअल लिटरेचर, देर इज हाउएवर द परमानेंट ट्रेजर हाउस ऑफ डिवाइन विजडम इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट स्क्रिप्चर्स, विच इज अ वेल्थ ऑफ मैनकाइंड. अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्पिरिचुअल लिटरेचर, इस लिटरेचर के अलावा भी देर इज अ परमानेंट ट्रेजर हाउस, एक परमानेंट खजाने का हाउस है, ट्रेजर हाउस है ऑफ डिवाइन विजडम, जो कि ईश्वरीय विजडम का, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट स्क्रिप्चर्स, जो कि ग्रेट स्क्रिप्चर्स हैं, महान हमारी किताबें हैं, विच आर वेल्थ ऑफ ऑल मैनकाइंड, जो कि मैनकाइंड की वेल्थ है. मैनकाइंड जो है ह्यूमैनिटी की वो संपत्ति है. द उपनिषद, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द कथास ऑफ जरूस्था, द रामायण एसेट्रा, ना. तो हम इस चीज को हाईलाइट कर लेते हैं. ये भी काफी इम्पोर्टेंट बात है, इसको इसलिए हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये हमारे उसमें रहे, है ना. तो आगे बढ़ते हैं. सेजास ऑफ पर्सनल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन
एंड प्रैक्टिकल विजडम्स लाइक दी सदगुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज आर द मोस्ट एमिनेंटली ऑथराइज पर्सन टू राइट स्पिरिचुअल लिटरेचर. सेजास जिन्होंने पर्सनली स्पिरिचुअल रियलाइजेशन किया है, जिनके पास वास्तव में गॉड रियलाइजेशन इनको हुआ है, वही सिर्फ ऑथराइज पर्सन है स्पिरिचुअल लिटरेचर को लिखने के लिए. तीसरा चैप्टर है या तीसरा सब टॉपिक, पहले टॉपिक के अंदर तीसरा सब टॉपिक है, क्योंकि हम ध्यान से ऊपर जाके देखेंगे तो हमने जो ये पढ़ा था कंटेंट में, ये सारा का सारा एक ही उसमें ना एक ही चैप्टर वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया है. तो हम अभी थर्ड चैप्टर पे पहुंच गए हैं, ठीक है. ट्रांसफॉर्मिंग द पावर ऑफ डेली स्टडी. नाउ वेरी गुड थिंग्स आर कमिंग. नाउ अब अच्छी अच्छी बातें और बेहतर बातें आएंगी. ट्रांसफॉर्मिंग द पावर ऑफ डेली स्टडी. क्वेश्चन है, हाउ डू स्पिरिचुअल बुक ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ मैन. स्पिरिचुअल किताबें कैसे ट्रांसफॉर्म करती हैं एक इंसान की लाइफ को. आंसर, स्पिरिचुअल बुक्स ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ मैन बाय इम्पार्टिंग ट्रू नॉलेज एंड ओपनिंग हिज आईज बाय टू द ट्रू पर्पज ऑफ लाइफ. हिज आईज टू द ट्रू पर्पज ऑफ लाइफ. जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो ट्रांसफॉर्म करती हैं मैन की लाइफ को, उसको सच्चा ज्ञान देती हैं और उसकी आंखें खोल देती हैं कि भाई सच्चा ज्ञान कहाँ पर है. तो अब स्वामी शिवन जी एक एक एग्जाम्पल से समझाते हैं. आजकल के समय में दिस डेज इवन व्हेन अ मैन पासेस हिज एमए ही इज इग्नोरेंट ऑफ द रियल पर्पस ऑफ हिज लाइफ. आज के समय भी जब व्यक्ति अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेता है, तब भी वो मास्टर इन आर्ट्स को एमए बोलते हैं, बट व्यक्ति मास्टर्स कर लेता है स्टिल ही इज इग्नोरेंट. अभी वो फिर भी वो इग्नोरेंट रहता है कि उसकी जिंदगी का लाइफ का पर्पस क्या है. ही टेक्स अ डिग्री मेरली टू गेट अ पेटी जॉब. वो डिग्री इसलिए लेता है ताकि उसे कोई जॉब वॉब मिल जाए छोटी मोटी और उसकी थोड़ी इनकम होता रहे. देन ही मैरीज एंड बेगेट्स चिल्ड्रन. देन वो शादी कर लेता है और बहुत सारे बच्चे कर लेता है. सम पीपल डिससेटिस्फाइड स्टिल डाइवोर्स देयर फर्स्ट वाइफ. और कुछ लोग तो इससे भी संतुष्ट नहीं होते, वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए वो उसे डाइवोर्स दे देते हैं और पहली वाइफ को छोड़ देते हैं और दूसरी वाइफ को शादी कर लेते हैं. द फुलिश मैन दस सर्चेज इन वेन फॉर हैप्पीनेस इन वेल्थ एंड मूवमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ वेल्थ एंड मूवमेंट आर पेरिशेबल. एक फुलिश आदमी जो है वो सर्च कर रहा होता है हैप्पीनेस को वेल्थ यानी धन और औरत में, बिना ये समझे कि दोनों धन और वुमेन दोनों की दोनों पेरिशेबल है, मतलब ये खत्म हो जाएंगे, ये सड़ जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे, ये समय के साथ चले जाएंगे हमारे पास से. जब हम मरेंगे तो ये दोनों ही हमारे साथ नहीं जाएंगे. स्पिरिचुअल बुक्स टेल सच अ पर्सन दैट लास्टिंग हैप्पीनेस कैन नॉट बी हैड इन पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स बट कैन बी हैड ओनली इन गॉड. तो जो स्पिरिचुअल बुक्स होती है वो हमें ये कहती है कि जो लास्टिंग हैप्पीनेस है, जो एवर लास्टिंग हैप्पीनेस है, जो असली हैप्पीनेस है, जो हमेशा रहने वाली हैप्पीनेस है, वो के सिर्फ और सिर्फ गॉड में मिल सकती है, किसी पेरिशेबल ऑब्जेक्ट में नहीं मिल सकती. पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स जो जो सड़ जाते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, सारी खाने वाली चीज़ें, इंसान सड़ जाता है, इंसान की डेथ हो जाती है, नहीं फिजिकल बॉडी की डेथ हो जाती है, जिससे हम इतना आसक्त रहते हैं. कोई अपने बच्चे से आसक्त, कोई अपनी बीवी से आसक्त, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से आसक्त. अ पर्सन इज अटैच टू हिज वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ईटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ऑल आर पेरिशेबल. दे विल जस्ट वैनिश वन डे इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी विल ऑल्सो वैनिश. आई मीन द बॉडी विल वैनिश, वी विल रिमेन, बट द बॉडी विल वैनिश. आई मीन वी विल ऑल्सो वैनिश. आवर वृत्तियाँ विल गेट मैनिफेस्टेड इन अ डिफरेंट नेम. दे विल पॉइंट आउट दैट द रियल लाइफ कंसिस्ट नॉट जस्ट इन ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग. स्पिरिचुअल किताब हमें पॉइंट आउट करती हैं कि जो रियल लाइफ है वो सिर्फ खाना, पीना और सोना नहीं है. इवन एनिमल एनिमल परफॉर्म दिस फंक्शंस. इवन जानवर भी ये सारे काम करते हैं. मैन हैज़ अ हायर फॉर पर्पजेस इन लाइफ. इट्स मैन प्रिविलेज टू सीक एंड अचीव परफेक्शन थ्रू गॉड रियलाइजेशन. ये सिर्फ ये मैन का जो है ना कुछ हायर पर्पस होता है लाइफ में. मैन के पास ये प्रिविलेज होती है, ये उसके पास एक अधिकार होता है, ये उसके पास एक जन्मजात उसको मिला होता है इनहेरिटेंस में, कि वो देख सकता है और परफेक्शन ऑफ गॉड परफेक्शन अचीव कर सकता है गॉड रियलाइजेशन के थ्रू. देन वो सभी मैटर्स पे कंट्रोल कर पाएगा, उसको इतनी सिद्धियाँ आ जाएंगी, इतनी सिद्धियाँ आ जाएंगी कि उसकी कल्पना नहीं की सकती. स्पिरिचुअल बुक्स बाय पॉइंटिंग आउट टू यू द पर्पस ऑफ लाइफ, बाय पॉइंटिंग आउट व्हाट इज द राइट व्हाट इज द रॉन्ग. स्पिरिचुअल बुक्स हमें बताती हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, बाय सजेस्टिंग वेरियस प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ मोल्डिंग योर लाइफ ऑन द पैटर्न ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल हीरोज, है ना. बाय सजेस्टिंग वेरियस प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ मोल्डिंग योर लाइफ. और सही क्या है गलत क्या है ये तो बताती हैं, और बहुत सारे सजेशंस भी देती हैं और प्रैक्टिकल तरीके देती हैं जिससे आप अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं. मोल्डिंग योर पैटर्न ऑफ लाइफ ऑन द पैटर्न ऑफ
ग्रेट स्पिरिचुअल हीरोज, पैटर्न ऑफ द ग्रेट स्पिरिचुअल हीरोज, जो कि ग्रेट स्पिरिचुअल हीरोज कौन है, महात्मा बुद्ध, स्वामी शिवानंद जी, भगत सिंह है ना, आदि शंकराचार्य, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, हजरत पैगंबर मोहम्मद है ना, बहुत सारे हैं, मतलब एक नहीं हजारों हजारों हैं। हेल्प यू टू शेड वाइसेस, मतलब ये हमें मदद कर देंगे अपनी वाइसेस यानी बुराइयों को हटा सके। शेड वाइसेस मतलब बुराइयों को हटा सके। डेवलप वर्चूज, अपने अंदर जो गुण है उनको डेवलप कर सके। बिल्ड अप अ नोबल पर्सनैलिटी, और एक महान पर्सनैलिटी डेवलप कर सके। दे टीच यू टू मेक अ सक्सेस ऑफ दे टीच यू टू मेक अ सक्सेस ऑफ योर लाइफ बाय लिविंग फॉर द ट्रू गोल ऑफ एग्जिस्टेंस। दे टीच यू टू मेक अ सक्सेस ऑफ योर लाइफ, वो हमें लाइफ में सक्सेस होना सिखाते हैं, और जो हमारे जीने का एक जो असली मकसद है, जो ट्रू गोल है, उसके बारे में बताती है कि हम, और ट्रू, वो ट्रू गोल क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन पाना, मुक्ति पाना, इस जन्म मरण के खेल से मुक्ति पाना, क्योंकि हम मरते हैं फिर जन्म ले लेते हैं, फिर मरते हैं फिर जन्म ले लेते हैं, फिर मरते हैं फिर जन्म ले लेते हैं। दे एंडाओ योर लाइफ विद अ रिच मीनिंग एंड यू एंड सेव यू फ्रॉम द टेम्पटेशंस ऑफ पेटी एंड बेस थिंग्स बाय कॉन्स्टेंटली कीपिंग बिफोर योर विजन इन द विजन द इंस्पायरिंग पिक्चर ऑफ योर हाई हाई आइडियल। दे एंडाओ योर लाइफ विद अ रिच मीनिंग, ये हमारे जीवन को एक एक महान मीनिंग प्रदान प्रदान करेगा, एक महान मकसद प्रदान करेगा, और हमें फालतू के जो टेम्पटेशंस होते हैं, खराब जो घटिया टेम्पटेशंस होते हैं, छोटे मोटे टेम्पटेशंस होते हैं, जैसे सिगरेट, शराब, लड़कीबाजी और ड्रग्स वगैरह, इनसे हमें बचाएगा, और हमें को हमको हमेशा इंस्पायर करता रहेगा, हमें हमेशा मोटिवेट करता रहेगा हायर आइडियल्स के लिए। दिस स्पिरिचुअल बुक्स कंटेन वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी एंड पावर डेराइव फ्रॉम द हायर सोर्स एंड दस इन्फ्यूज द सिंसियर रीडर विद इनर स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड्स हिम विद पावरफुल अर्ज टूवर्ड्स अ प्रोग्रेसिवली नोबल नोबल एंड बेटर लाइफ।